हाय गाइस, इट्स ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अभी तक तो आपने ये राम जी का जो वायरल फोटो है वो आप सब ने देख ही लिया होगा, जो कि बहुत ही लाइक क्यूट सा एंड बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड ऐसा बोला जा रहा है जब राम जी 21 ईयर्स के थे ना, वो कुछ ऐसे दिखते थे। एंड ये राम जी की फ़ोटो ना AI जनरेटेड है, मतलब जैसे वाल्मीकि जी ने रामायण या फिर रामचरितमानस में बताया था कि राम जी ऐसे दिखते थे, ऐसा उनका फीचर था, उसके अकॉर्डिंग ही AI ने जनरेट करा है, जो कि ऐसा फ़ोटो बनकर आया है, जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और स्पेशली जो राम जी की स्माइल है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आपको क्या लगता है कि राम जी ऐसे दिखते होंगे 21 ईयर्स में? कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसमें कुछ कमी भी है रेफरेंस में जो ये राम जी की है, तो थोड़ा बहुत मैं खुद से भी ऐड करने वाली हूँ, तो वीडियो पूरा देखना। और एक और बात, भगवान जी हम लोग को बनाए हैं, हम इंसान को, तो हम इंसान भगवान जी को तो नहीं ही बना सकते हैं, तो AI क्या ही बनाएगा। तो इस बात को रखते हुए ना अभी हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड बहुत ही अच्छा सा ये राम जी का फ़ोटो है, जो कि आप सब भी बनाना सीख सकते हो अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो। ये Part 1 है गाइस, जहाँ पे मैं आपको आउटलाइन ड्राइंग सिखाने वाली हूँ, कैसे ये बिल्कुल फ़ोटो की तरह हम लोग बना सकते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो वीडियो पूरा देखना। एंड चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ जिसमें कि मैं आपको कलर करना सिखाने वाली हूँ, तो वो जब वीडियो आए तो आप जल्दी से देख कर बना सको। तो अभी बिना देरी किए गाइस चलिए आज की वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग क्रिएट करने वाले हैं आउटलाइन राम जी का ग्रीड मेथड से। तो इसके लिए हमें एक ऐप चाहिए होगा, और यहाँ मैं ऐप यूज़ करने वाली हूँ ग्रीड ऐप फॉर द आर्टिस्ट। ये एक मैं न्यू ऐप आपको बता रही हूँ, जो पहला वाला ग्रीड ऐप था ना वो अभी प्ले स्टोर पे अवेलेबल ही नहीं है, तो हमें ये ऐप यूज़ करना पड़ेगा। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसमें आपको और भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके जो हमारा ना रेफरेंस है या फिर फोटो है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो देन आप नीचे की तरफ देखोगे तो आपको कैनवास का ऑप्शन मिल जाएगा, जो भी आपका पेपर साइज है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। मेरा यहाँ पर A4 है, तो मैं सिंपली A4 पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लूँगी। यहाँ पे उसी तरीके से डायमेंशन बन जाता है। यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पे आप देखो एडजस्ट करने का, ब्लैक एंड व्हाइट करने का, कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस करने का ऑप्शन दिया गया है, तो बहुत अच्छा है। देन यहाँ पे थर्ड वाले पर जाएंगे जो कि ग्रीड है, एंड यहाँ पे लेबल को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। इसका साइज़ आप बड़ा छोटा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, तो 10 बहुत अच्छा है, 10 में आपको अच्छे से दिख जाएगा जो लेबल नंबर है ना वो अच्छे से दिख जाएगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस है पहले वाले ग्रीड ऐप से, तो समझने का ट्राई करना खुद से। देन नीचे आपको यहाँ बॉक्स साइज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर पे है, लेकिन यहाँ पे आपको सेट कर लेना है 2x2 सेंटीमीटर, यानी कि जो भी ग्रीड है वो 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगा, यानी कि 2 सेंटीमीटर का ग्रीड होगा उसका साइज़ होगा। तो इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है, और जो लाइन है ना उसको आप रेड कर सकते हो, या फिर कुछ भी आपको कलर पसंद है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेबल नंबर का भी आप कलर एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो देन आपको चल जाना है लास्ट वाले ऑप्शन पे, जो कि पेंसिल और स्केल का आपको दिखेगा लोगो बना हुआ। देन यहाँ पे आपको एक बहुत ही मस्त ऑप्शन मिलेगा, रियल साइज, मतलब जो आपने ग्रिड बनाया है 2 सेंटीमीटर का, उतना ही पे वो हो जाता है जूम अप। इस तरीके से आप बहुत ही एक्यूरेट रेफरेंस की तरह बना पाते हो आउटलाइन, तो बहुत ही अच्छा ये फीचर है इसमें। बस अब यहाँ पे सेव कर लेंगे, एंड ये सेव होने के बाद गैलरी में आ जाता है। तो इस तरीके से बहुत ही इजीली आप ग्रीड क्रिएट कर सकते हो। ये मैं दूसरे ऐप में आपको बताई, जो पहला वाला ऐप था वो तो अभी वर्क नहीं कर रहा है, मतलब प्ले स्टोर पे अवेलेबल ही नहीं है। और यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पे भी नीचे की तरफ 15 ग्रीड और ऊपर की तरफ 11 ग्रीड बना है, जो कि पहले की तरह ही हो पाया है। तो इसको आप यूज़ करना, ट्राई करना। फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे थोड़ा सा लाइक समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आ जाएगा सारा कुछ। तो ट्राई करना, बहुत अच्छा ऐप है, जब आपको बहुत सारा फीचर देखने को मिल जाता है जो कि बहुत अच्छा है। और गाइस, इस ग्रीड ऐप का लिंक साथ में रेफरेंस विद ग्रीड और नॉर्मल रेफरेंस, जो भी मैं टूल्स यूज़ कर रही हूँ, पेपर पेंसिल सब कुछ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर लेना। एंड अभी बिना देरी किए जैसे हमने रेफरेंस पर ग्रीड क्रिएट करा है, पेपर पर भी बना लेते हैं। सो गाइस, सिंपली आपको यहाँ पे एक स्केल चाहिए होगा, और जो स्केल का 0 सेंटीमीटर है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में रख लेना है, और 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मार्क करना है, लाइक 2, 4, 6, 8 ऐसे करके मार्क करना है जहाँ तक भी हो पाता है। और सेम तरीके से जस्ट उसके नीचे वाला जो साइड है वो भी कर लेंगे, यहाँ भी वही 2, 4, 6, 8 करते हुए जहाँ तक भी होता है कर लेना है। 2 साइड हमारा हो चुका है, और ये जो लंबा वाला साइड है इसको भी कर लेंगे। अगेन यहाँ पे 0 सेंटीमीटर स्टार्टिंग में रखते हुए आपको मार्क करना है, 2, 4, 6,
8 ऐसे करके लास्ट तक जहाँ तक हो पाता है, और उसका जो अपोजिट वाला साइड है इसको भी कर लेना है। बिल्कुल सेम टेक्निक है, बिल्कुल इजी सा प्रोसेस है। देन हमको सिंपली मार्क कर लेना है लेफ्ट को राइट से, अप को डाउन से। आपको सिंपली स्केल को ना जहाँ आपने मार्क करा है वहाँ पे आपको सिंपली रखना है अपोजिट साइड में एक दूसरे के, एंड हमको मार्क कर लेना है, अच्छे से करना है ताकि बिल्कुल अच्छे से बने ग्रीड। नेक्स्ट गाइस, अगर आप रेफरेंस इमेज ध्यान से देखोगे तो आपको नंबर मेंशन हुआ दिखेगा ऊपर की तरफ 11 तक और नीचे की तरफ 15 तक। हमको भी इसी तरीके से अपने ड्राइंग शीट पे कर लेना है, और इसको कहते हैं लेवल नंबर। पहले मार्क कर लेते हैं, देन मैं आपको बताती हूँ उसका यूज़ क्या है। सो गाइस, यहाँ मैं लेबल नंबर मार्क कर ली हूँ, एंड अभी मैं बताती हूँ कैसे इसको यूज़ करते हैं एक्यूरेट आउटलाइन बनाने में। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं स्टार्ट करने वाली हूँ टीका वाला पार्ट से आउटलाइन ड्राइंग करना। तो यहाँ पे आप ये वाला ग्रिड देखो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टीका वाला पार्ट आ रहा है, इसको फाइंड करते हैं इसका एग्जैक्ट पोजिशन क्या है। तो पहले छोटा कर लेंगे ताकि ऊपर और नीचे का नंबर अच्छे से स्क्रीन पर आ जाए। देन अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो टीका वाला पार्ट ऊपर से 6 पे है, आगे 6 है ना, तो वो ऊपर वाला शो कर रहा है, और नीचे अगर आप देखोगे तो ये 5 पे है, जो सेकंड डिजिट है वो 5 है ना, यानी कि वो सेकंड शो कर रहा है, नीचे वाला शो कर रहा है। तो इस तरीके से ऑब्जर्व करते हुए आप किसी भी पार्ट को फाइंड कर सकते हो कि वो कौन से ग्रीड में आएगा, कहाँ पे आएगा, और बहुत एक्यूरेट आप बना सकते हो। तो अभी मैं आउटलाइन ड्राइंग स्टार्ट करती हूँ। और एक और चीज़ है, हमेशा अपने ड्राइंग शीट का ग्रीड और रेफरेंस का ग्रीड दोनों को इक्वल रखना है ताकि आप बिल्कुल एक्यूरेट बना पाओ। और इस ग्रीड ऐप में आपको ऑप्शन में मिल जाता है रियल साइज का, तो वो आप कर सकते हो। ओके, तो यहाँ सारा कुछ हो गया, अभी आउटलाइन ड्राइंग करना स्टार्ट करते हैं राम जी का। तो यहाँ मैं स्टार्ट करूँगी टीका वाला पार्ट से, एंड मैं फर्स्ट ग्रिड जो था मेरा वो था 5.4 वाला ग्रिड, वहाँ से मैं स्टार्ट करी थी। और मैं कैसे काम कर रही हूँ वो आप समझ लो। आपको करना क्या है कि आपको पहले एक ग्रिड से स्टार्ट करना है, मतलब एक ग्रिड आपको कंप्लीट कर लेना जो भी उसमें आउटलाइन है। जैसे मैं टीका वाला पार्ट करी थी, मैंने एक कंप्लीट करा, और यहाँ पे आपको बिल्कुल लाइटली काम करना है, मतलब पेंसिल पे प्रेशर बहुत कम यूज़ करना है स्टार्टिंग में। और जब आपको लगे कि बिल्कुल एक्यूरेट बना है तब उसको आप डार्क कर सकते हो और डिटेल्स वगैरह ऐड कर सकते हो। यहाँ मैं उसी तरीके से काम कर रही हूँ। और यहाँ मैं कर क्या रही हूँ, पहले मैं जो ओवरऑल जो आउटलाइन है ऊपर सा वो मैं क्रिएट कर रही हूँ। ये हेयर वाला पार्ट है, ये आउटर इनर का स्ट्रक्चर कैसा है आउटलाइन का वो मैं पहले बना रही हूँ, और बाद में धीरे धीरे मैं उस पर डिटेल ऐड कर रही हूँ। जब मुझे लगा कि ये बिल्कुल सही बना है, जो मुझे चाहिए था वैसा ही बना है, तो इस तरीके से ही आपको करना है। अभी आप देखो ये फेस का जो आउटर आउटलाइन है वो मैंने क्रिएट करा है, और अगेन मैं जो हेयर है ना वो बचा हुआ था वो मैं बनाना स्टार्ट करी। तो इस तरीके से आपको ऑब्जर्व करना है। कोशिश आप करो कि आप एक ग्रिड कंप्लीट कर लो, देन आप दूसरे ग्रिड में इंटर करो, ऐसे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा और आप आराम से काम कर पाओगे, आउटलाइन बिल्कुल एक्यूरेट आपका बनेगा। साथ में आपको लेवल नंबर को मैनेज करते हुए काम करना, मतलब देख लेना है कहाँ पे कौन सा आउटलाइन वाला पार्ट है। तो इस तरीके से जब आप करोगे तो बहुत अच्छा बनेगा, एक्यूरेट बनेगा। साथ में टाइम दो ताकि आपका बिल्कुल अच्छा बने। मैं अगर बताऊं कि मैं कितने टाइम में बनाई हूँ इस आउटलाइन को, पहले तो मैं बिल्कुल रेफरेंस की तरह मैं बनाना चाहती थी, मैंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम दिया है, ऐसे मैं 1 आवर में बना लेती हूँ, बट इसमें मैं 2 आवर्स दी हूँ ताकि बिल्कुल राम जी का जो फोटो है ना बिल्कुल वैसा ही बने, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा टाइम दिया जो कि लास्ट में बहुत अच्छा बना भी है। तो जितना आप टाइम दोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा मिलेगा, उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो हेयर मैं बना ली हूँ, एंड अभी मैं नेक वाला जो एरिया वो बनाना स्टार्ट करी हूँ। बात करें जो ये हेयर है ना वो थोड़ा सा कर्ली टाइप का है, तो उसको आपको ध्यान देते हुए ही काम करना है। साथ में आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ स्ट्रक्चर ऐड कर सकते हो, जो कि मैं लास्ट में ऐड करने वाली हूँ, जो कि मुझे कमी लगा फोटो में इसलिए मैंने लास्ट में ऐड करा हुआ है। वो क्या मैं ऐड करी वो तो आप वीडियो लास्ट तक देखोगे तभी मालूम चलेगा। और कुछ मैं प्रोटिप देती हूँ, जैसे कि आप बॉक्स ऑफ साइज़ छोटा कर सकते हो अगर आपसे अच्छे से नहीं हो पा रहा है, या फिर हैंडल नहीं कर पा रहे हो आप 2 सेंटीमीटर वाला ग्रिड साइज़, तो 1 सेंटीमीटर भी कर सकते हो, उससे आप और अच्छे से बना पाओगे। साथ में आपको प्रैक्टिस भी करना है। तो यहाँ पर सारा कुछ हो चुका है, अभी बस फेस बाकी है जिसको बनाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ जो आईब्रो है ना राम जी का वहाँ से। तो जो आईब्रो है वो 3 ग्रिड में आ रहा है ऑलमोस्ट, तो इस तरीके से आपको देखना भी है पहले कि कितने से कितने ग्रिड में
आ रहा है, हल्का सा लाइन ड्रॉ करके मार्क कर लो कि यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से एंड होगा। और धीरे धीरे पहले लाइटली बनाना है, और जब आपको लगे बिल्कुल सही बना है, देन आप डार्क कर सकते हो या फिर डिटेल्स जो है हेयर्स का वो सब ऐड कर सकते हो। अभी मैं क्या कर रही हूँ, जो फेस का फीचर है जैसे नोज़ कहाँ पर बनेगा, जो स्माइलिंग फेस है, स्माइलिंग लिप्स है, उसको कहाँ तक बनाना है, वो सब आपको ऑब्जर्व कर लेना है। हल्का हल्का सा आप लाइन वगैरह ड्रॉ कर सकते हो, तो ऐसे आप बहुत ईजिली कर पाओगे। देन मैं यहाँ पे आईज़ बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। आईज़ मेन था, उसको मैं बहुत लाइक अच्छा से बनाना चाहती थी, बिल्कुल रेफरेंस के तरह, और रेफरेंस से अच्छा ही बनाना चाहती थी। तो कैसा बना है आप ज़रूर मुझे बताना। यहाँ मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, ऐसे मैं 1 आवर में कंप्लीट कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ मैं 2 आवर्स दी हूँ ताकि बहुत अच्छा सा बन के आए। तो आईज़ आप देखो बहुत अच्छा बना भी है। मैंने हल्का सा थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस लग सकता है, क्योंकि जो रेफरेंस में आईज़ था ना वो थोड़ा सा ऊपर नीचे मुझे लगा, मतलब दोनों सेम नहीं था, लेकिन मैंने ट्राई करा है कि मैं दोनों को सिमिलर ही रखूं, हल्का सा डिफरेंस आपको लगेगा। इस तरीके से आप खुद से भी कुछ एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने फर्स्ट आई बनाया, उसी तरीके से मैं सेकंड आई भी बना रही हूँ। पहले जहाँ तक आई स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है, उस तरीके से पहले मैं लाइन ड्रॉ करी लाइटली बिल्कुल, और जब मुझे लगा कि ये अच्छा बना है, एक्यूरेट बना है, देन मैं उस पर डिटेल वगैरह ऐड कर दी। यहाँ पे आप कोई भी कलर पेंसिल, सॉरी पेंसिल यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास मैकेनिकल पेन पेंसिल है तो वो बहुत अच्छा रहता है, उसको शार्प करने का प्रॉब्लम नहीं होता है, शार्प ऑलरेडी वगैरह रहता है तो अच्छा रहता है। अगर आपके पास नॉर्मल पेंसिल है इस तरीके का जो मैं यूज़ कर रही हूँ, तो हमेशा आप शार्प करके ही यूज़ करो, ताकि आप बिल्कुल पतला पतला आउटलाइन बना सको। सो इसी तरीके से आईज़ हो गया। देन मैं यहाँ पे ना नोज़ वाला पार्ट भी बना ली जल्दी से, तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी तक तो मुझे। देन मैं लिप्स वाला पार्ट बनाना स्टार्ट करी, जो भी फेस का फीचर है, जो स्माइलिंग चिक्स है, वो सब मैं हल्का सा ऐड कर रही हूँ। और हमेशा आप ना जो ग्रिड लाइंस आप बनाओ ना, उसको बिल्कुल लाइटली बनाओ, ताकि बाद में वो इरेज हो जाए। काफ़ी सारे बिगनर ऐसा गलती करते हैं कि वो बिल्कुल ही डार्क बना देते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन आपको लाइट रखना है ताकि आप बाद में इरेज कर सको। आपको वो ग्रिड दिखाना नहीं है अपने ड्राइंग में, उसको हटाना है, छुपाना है, तो हल्का लाइट ही बनाया करो। तो इस तरीके से आप देखो बिल्कुल फेस फीचर बन चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट करके। और यहाँ पर मैंने रेफरेंस की तरह तो बना लिया, लेकिन इसमें बहुत सारा कुछ कुछ मुझे कमी लगा जो कि मुझे ऐड करना ही था, तो मैंने वो सब ऐड करा। लाइक मैं जनेव ऐड करी थी, साथ में जो कुंदन बोलते हैं वो मैं ऐड करी थी ताकि और अच्छा लगे, और जो राम जी का जो लुक है ना वो हमको दिख सके इस फोटो में। और जो ज्वेलरी था उसका शेप मैं हल्का ठीक कर दी, लाइक सर्कल सर्कल बना दी हूँ, और मैं ना वो फूलों का माला भी ऐड कर दी गले में, ताकि और अच्छा लगे और भी लाइक जो राम जी का लुक है वो मिल सके। तो इस तरीके से हमारे राम जी का आउटलाइन कंप्लीट हो गया, एंड ये पार्ट 1 था, जहाँ पे मैं आपको आउटलाइन ड्राइंग करना सिखाई हूँ। जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें कलर करना सिखाऊंगी, तो स्टे कनेक्टेड, चैनल सब्सक्राइब कर लेना एंड विथ नोटिफिकेशन बिल, ताकि जब नेक्स्ट पार्ट अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले एंड आप वीडियो देख सको। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।